हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आपको पता है मैंने थोड़े दिन पहले ही शॉपिंग की थी, गोल्ड शॉपिंग एंड डायमंड शॉपिंग, जो कि मैंने कैरेट के लिए भी लिया था और मैंने अपने लिए भी रिंग ली थी, जो कि मैंने उसकी ऑलरेडी वीडियो डाल दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप जाके देख सकते हो, एक दो वीडियो पहले ही है। अगर आपको नहीं मिलेगी तो मैं लिंक भी डाल दूंगी, आई बटन पे भी डाल दूंगी उसको, तो आप जाके देख सकते हो कि मैंने एक रिंग ली थी सॉलिटेयर, और उसी के साथ मैंने परचेज किया था कियारा के लिए, बहुत ही सुंदर। आगे देखिएगा क्या लिया मैंने उसके लिए। तो अभी मैं ब्रेसलेट भी देख रही थी अपने लिए थोड़े बहुत, जो कि थोड़े मेरे को ना सॉलिड नहीं लग रहे थे, तो मैंने सोचा कि कुछ और देख लूँगी, अभी नहीं देखती हूँ। तो मैंने कियारा के लिए देखा एयर रिंग्स, तो आप ये देख सकते हो बहुत ही सुंदर सुंदर एयर रिंग मिल रहे थे, और बच्चों की ना बहुत सुंदर सुंदर डोरेमोन, डोरेमी, यूनिकॉर्न, पेपा पिग और बहुत सारे आइटम मिल रही होती है, तो आप देख सकते हैं। सो गाइज, अगर आपको लगता है कि बच्चों के लिए कुछ चीज़ चाहिए या मतलब कोई भी गोल्ड डायमंड रिंग चाहिए, तो गाइज मैं बता रही हूँ आप कैरेटिन से कुछ भी ले सकते हो, कुछ भी परचेज कर सकते हो या बनवा भी सकते हैं इधर। हम 40 डेज का टाइम लगता है, शायद बच्चों के लिए, किड्स के लिए अलग टाइमिंग होता होगा, बट मैं जब भी कुछ लेने जाती हूँ तो कियारा का गोल्ड या डायमंड कोई भी चीज़ कैरेट लाइन से लेती हूँ, जो कि बहुत ही अच्छे प्राइजेज में अवेलेबल है, क्योंकि वो 14 कैरेट की चीज़ें होती हैं तो अफोर्डेबल रहता है। तो कियारा को एक बहुत ही अच्छा इयररिंग पसंद आया था, जो कि हम घर पर ले आए हैं, मतलब मैं ले आई हूँ, परचेज कर लिया है। तो अब ये ट्राई करके देख रहे थे कि कौन सा इसको अच्छा लग रहा है, तो मेरे को ये बहुत ही अच्छा लग रहा था। तो देख सकते हो एक ये मशरूम भी था जो बहुत ही अच्छा है, और मैंने इसको पहना के भी देख लिया है। सो गाइज, ये फाइनली मुझे बहुत पसंद आया, मैं आपको घर पे आके दिखाऊंगी अच्छे से और इसके बारे में बताऊंगी कि क्या कितने का है। और बहुत ही 14 कैरेट की चीज़ें होती है ना, तो थोड़े से लो प्राइजेस में होती है। अगर 18 कैरेट या 22 कैरेट का होता है तो थोड़ा सा एक्सपेंसिव चला जाता है। तो गोल्ड हम ले सकते हैं कभी भी, आप अपने इन्वेस्टमेंट के हिसाब से आप कोई भी चीज़ परचेज करना। हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं कियारा के लिए जो लेकर आई थी वो दिखाने वाली हूँ, और आपने अगर मेरी वीडियो नहीं देखी है कैरेट लैंड की, जो मैं क्या लेकर आई हूँ, डायमंड रिंग लेकर आई थी, तो अगर नहीं देखी तो अभी मैंने थोड़े दिन पहले ही डाली, तो आप जाके देख सकते हैं। सो गाइज, आप ये देख सकते हो मैं ये कियारा का इसमें जो इसके लिए मैं इयर रिंग लेकर आई थी, जो मैं आपको दिखाने वाली हूँ कि कौन से इयर रिंग लेकर आई थी। सो गाइज, ये है कियारा का इयर रिंग जो मैं इयर रिंग लेकर आई हूँ कियारा के। इसको बहुत सारे पसंद आ रहे थे तो मैंने उसमें से एक लिया जो मुझे भी बहुत पसंद आ रहा था, तो मैं आपको दिखाती हूँ, चलो देखते हैं। सो गाइज, ये है कियारा का इयर रिंग जो मैं दिखाने वाली हूँ। कियारा खोल रही है, ये देखिए कितने प्यारे प्यारे, ये है मशरूम जो कि बहुत प्यारी लगती है, और मैं आपको इसको पहन के दिखाती हूँ कियारा के ऊपर, बहुत बहुत सुंदर लग रहा है। तो गाइस बताना ज़रूर कैसे लगे ये आपको, मैं आपको निकाल के दिखाती हूँ। एक इसके पेच वाला होता है ये, जो इसलिए बच्चे को भी पहनाया जा सकता है किसी भी। देखिए, तो मैं आपको देख इसको पहन के दिखाती हूँ और आप बताना ये कैसा लगा आपको इयररिंग। गाइस, ये देख सकते हो, ये लेकर आए थे, पहनने के बाद इस टाइप से लगते हैं। मैंने आपको वहाँ पे भी दिखाया था, कियारा को ये पसंद आए थे बहुत ज़्यादा। इसमें डोरेमोन, इसमें यूनिकॉर्न, पेपा पिग तो है ही कियारा के पास, तो ये बहुत सुंदर लग रहे थे, तो हम ये लेकर आए हैं। तो मैं आपको बता देती हूँ कि कैरेट लाइन से, अगर आपने मेरी वीडियो नहीं देखी है, कैरेट लाइन से मैं अपनी रिंग भी लेकर आई थी, ये वाली जो कि सॉलिटेयर रिंग। अगर आपने इसकी वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ गाइस जाके देख सकते हो, और कियारा को देख सकते हो, इसने दोनों में पहन ली कियारा ने। सो गाइस, आपको ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताना।